Hey guys, welcome back to my channel. और आज का जो वीडियो है वो ग्लैम मेकअप लुक के बारे में है और कुछ इस टाइप में मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है और इस मैंने इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए। तो अगर ये मेकअप लुक आप लोगों को पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट के थ्रू में बताइए कि आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल कौन सा देखना चाहते हैं। तो ये आपको इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों में मैच कर जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंड तक वीडियो देखिए क्योंकि मैंने किस स्टेप से ये मेकअप लुक क्रिएट किया है उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजिंग यूज़ कर रही हूँ और उसके लिए मैं गार्नियर का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ SPF 15, और उसे ऑल ओवर फेस में मैं अप्लाई कर दूँगी। फिर मैं किस ब्यूटी का प्राइमर यूज़ कर लूँगी टी जोन पे फोकस करते हुए, अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। फिर मैं 2-in-1 जेल पाउडर ADS का उनके आईब्रो को फिलअप करने के लिए यूज़ कर रही हूँ और अच्छी तरह से एक आर्च शेप दूँगी। उसके बाद मेबलिन फिट में ही कंसीलर लेके अपनी फिर पूरी आईलिड्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ एज अ आई प्राइमर आई बेस, और उसे फिंगर के हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर दे रही हूँ ताकि ब्रश से कोई लाइन ना रहे। और ADS का बनाना पाउडर लेके पूरी आईलिड्स पे मैं अप्लाई कर दे रही हूँ ताकि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। फिर एक सेलेटिव के हेल्प से आउटर कॉर्नर पर लाइन चिपका रही हूँ। फिर मैं ये मोर्फी जैकिल पैलेट से ये ऑरेंज शेड लेके पूरी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर दे रही हूँ इनर कॉर्नर पे आते हुए, और आउटर कॉर्नर को ज़्यादा फोकस करते हुए ये रेड शेड अप्लाई कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर पे मैं प्लेस करूँगी, फिर उसे थोड़ी थोड़ी करके मैं इनर कॉर्नर पे प्लेसअप कर लूँगी जिस टाइप से जैसे कि मैं कर रही हूँ। फिर मैं ये ब्राउन और ब्लैक शेड लेके उसके ऊपर में मैं अप्लाई करूँगी थोड़ी सी इंटेंसिफाइड लुक देखने के लिए, और सबको अच्छी तरह से ब्लेंड आउट करना है ताकि कोई भी लाइन वगैरह ना दिखे। फिर ये मरून शिमरी शेड लेके इनर आईलिड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, फिर उसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड आउट करना है। फिर ये शिमरी वाइट शेड लेके मैं ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। फिर उसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि लाइन ना लगे, और मैं NYB का लाइनर लेके अच्छी तरह से विंग लाइनिंग क्रिएट कर दे रही हूँ। उसके बाद एक कलर के हेल्प से लैसेस को कर्ल कर दे रही हूँ। फिर मैं बेली बूस्टा का मस्कारा लेके अपनी फिर इनर लोअर लैस लाइन और अपर लैस लाइन पे मैं अप्लाई कर दे रही हूँ, और मैंने ऑफलाइन में मैंने आई लैसेस कम्प्लीट कर दिया है। उसके बाद फाउंडेशन के लिए फिट मी फाउंडेशन सेट नंबर 220 यूज़ कर दे रही हूँ, और नेक पार्ट को भी कभी मत भूलना। फिर मैं एक फेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर दे रही हूँ। फिर मैं सेम फिट मी कंसीलर लेके अब अंडर आई पे नोज ऑफ द ब्रिज क्यूपिड्स बो चिन पे मैं लगा रही हूँ थोड़ी सी हाइलाइटर लुक के लिए अपने हायर पॉइंट्स पे और फोरहेड में भी, उसे भी अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग कर दे रही हूँ, और ब्लेंडिंग डैपिंग करते हुए करना चाहिए नहीं तो ब्रश से अच्छी तरह से एप्लीकेशन नहीं होता है कंसीलर। फिर मैं उसके बाद में सेम लग्जरी बनाना पाउडर से आइस में मैं बेकिंग करूँगी 2-3 मिनट्स
सेम जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहीं पर ही। फिर मैं NYB का कंटूरिंग क्रीम लेके मैं कंटूरिंग करूँगी अपने चिक्स पे और जॉ लाइन पे, फोरहेड पे। और उसे भी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। अपर में अप्लाई करते हुए ऊपर की तरफ अप्लाई करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। फिर मैं उस कंटूरिंग को भी हाफ कट करूँगी ताकि कोई भी लाइन वगैरह ना दिखे, शार्प लुक दिखे और स्लिम सा दिखे। फिर मैं जो भी बेकिंग पाउडर था मैं वो पूरी अच्छी तरह से एक क्लीन ब्रश की हेल्प से जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसे क्लीन अप कर रही हूँ। और ध्यान रखें कि बेकिंग जब भी 2-3 मिनट से करना चाहिए, ज़्यादा करेंगे तो वो पाउडर अच्छी तरह से नहीं निकलता है। फिर मैं सेम कंटूरिंग क्रीम लेके मैं नोज़ को कंटूरिंग कर दे रही हूँ। फिर उसे भी एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड आउट कर दे रही हूँ। फिर ADS का ब्लश लेके चिक्स पे स्माइली करते हुए अप्लाई करूँगी। कभी भी आप ब्लशर अप्लाई करेंगे तब स्माइल करते हुए एप्पल्स द चिक्स पे अप्लाई करना। फिर मैं ऑरेंज शेड लेके लोअर लैश लाइन पे पहले अप्लाई कर दे रही हूँ, उसके बाद मैं रेड शेड लेके फिर से उसी के ऊपर मैं अप्लाई करूँगी थोड़ी सी इंटेंसिफाई लुक दिखने के लिए। और बहुत सा रिक्वेस्ट आया था कि कोई दूसरा फेस में करके दिखाओ मेकअप लुक बोल के, तो इसलिए मैंने आज ये क्रिएट किया है मेरी सिस्टर के ऊपर में। और भी इस टाइप का लुक दिखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं जरूर रेडी करूँगी। इसके बाद सेम NYB का काजल यूज़ कर रही हूँ और ये भी काजल बहुत ही अच्छा है। कुछ दिन पहले मैंने NYB का न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट के बारे में वीडियो मैंने बनाई थी, रिव्यू प्लस डेमो, तो आप उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख के परचेस कर सकते हैं। तो मैं हाइलाइटर के लिए सेम मैं जो आई शेडो कलर था वही यूज़ कर रही हूँ, नोज ऑफ द टिप, ब्रिज, चिन, क्यूपिड्स बो और फोरहेड पे। इनर कॉर्नर के लिए मैं ये गोल्ड सिमरी शेड ले रही हूँ और लगा रही। फिर हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक लेके अच्छी तरह से लिप पे लगा रही हूँ। फिर काली का लिपस्टिक लेके उसी के ऊपर में अप्लाई करके हैंड से ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी हायर लुक दिखे। और किस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे लेके मैं पूरी ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर रही थी एक ब्यूटी। मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है, कुछ इस टाइप में मैंने क्रिएट किया है। अगर ये मेकअप लुक आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और भी इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।